हिस्सा रोका। गौरेला में 146 जोड़ों की कराई गई शादी, विधानसभा अध्यक्ष ने जोड़ों को दिया आशीर्वाद। मनेन्द्रगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन, पदाधिकारियों ने किया स्वागत। पामगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटीएम का हुआ शुभारंभ, विधायक ने एटीएम का किया उद्घाटन। सक्ती में राखड़ का चल रहा अवैध कारोबार, एसडीएम को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। सूरजपुर में सीओ का वीडियो हो रहा है वायरल, धार्मिक भावनाओं को सीओ ने पहुंचाई ठेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सक्ती में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इसी मौके पर पुलिसकर्मी एनसीसी के छात्र छात्राओं को परेड कराई जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह दिख रहा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरद दास महंत के द्वारा किया जाएगा। 26 जनवरी के लिए इस नववर्ष में नवीन जिला शक्ति के लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर मार्च पास की तैयारियां हो रही हैं, साथ ही साथ विभागों के द्वारा जो झांकियां निकली हैं उनकी तैयारियां हो रही हैं और हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक बहुत ही गरिमामय तरीके से हो। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री महन जी मुख्य अतिथि रहेंगे जो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, तो उनकी गरिमा को मेंटेन करते हुए नवीन जिला शक्ति में ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और अच्छे रूप से मनाया जाएगा। जी मैं जिले की पहली 26 जनवरी कार्यक्रम, इसमें लोगों को उत्साह भी दिखने को मिला है। जी लोगों का बहुत उत्साह है, बच्चों का बहुत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से जिले में कोकोड़ू में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट को आगामी जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर अधिकांश निर्माण कार्यों को तेजी गति से संचालित किया जा रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट निर्माण में कलेक्ट्रेट सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और ग्रामीणों ने श्रमदान कर प्लांट के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस मक्का प्रसंस्करण प्लांट में क्षेत्र के लगभग 200 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। लोगों को पता लगे इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ श्रमिक दिन रात काम करके ये प्लांट को मूर्त रूप देने के लिए कार्यरत हैं, उनको एक साधुवाद देने के लिए ये अल्प समय के लिए श्रमदान करके उनको साधुवाद देने का भाव प्रकट किया गया है, ताकि आप लोग जो यहाँ के श्रमिक हैं जो कि इस प्लांट के ओनर भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक जो हैं अपने खेत में मक्का का उपार्जन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनका भी मक्का उपार्जन होगा और बहुत सारे श्रमिक जो है शेयर धारक भी हैं। तो जिस प्रकार से वो डेडिकेशन के साथ इस प्लांट को मूर्त रूप देने के लिए कार्यरत हैं, उसी प्रकार से पूरे अधिकारी कर्मचारियों को आज जो है यहाँ पे श्रमदान के लिए आमंत्रित किया गया। गौरेला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 146 जोड़ों की शादी कराई गई। विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने आए विधानसभा अध्यक्ष ने विवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप रोजगार देने की बात कही। आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि विवाहित जोड़े सही दिशा पर सुख पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बसर करें, इस हिसाब से उन्हें रोजगार मिलना भी जरूरी है। हम विवाह तो करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है, और कहीं ये भटकते भटकते रहे उनको रोजगार न मिले तो ये गलत हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी स्वयं यहाँ के बेरोजगारी को लेकर जो यात्रा पर निकले हैं देश के, उसमें भी यही सवाल उठ रहा है कि यदि हमारे बच्चे बिना रोजगार के रहे तो किस, तो मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी रोजगार से करें, चाहे व्यक्तिगत रोजगार करें, चाहे व्यवसायिक रूप से करें, नौकरी करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। वो कलेक्टर के पास या जिलाध्यक्ष के पास कितनी व्यवस्थाएँ हैं जो कर सकते हैं।
सूरजपुर में एक महिला का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि घर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना की जांच में जुट गई। मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। वो अपने पति को छोड़ करके यहाँ रह रही थी देवांगन जी का रतन देवांगन के साथ में। वो आज सुबह ही सूचना मिली है कि उसकी घर में उसकी लाश है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे, अभी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को बुला लिए हैं और जो है पुलिस डॉग को बुला रहे हैं। पूरी टीम हमारी सूरजपुर से पहुँच गई है। देख रहे हैं कि शरीर में तमाम चोट के चिन्ह हैं। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि हत्या का प्रकरण है और उसमें आगे भी इसमें पतासाजी की जा रही। पोस्टमार्टम के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। सूरजपुर में सीईओ का वीडियो इन दिन जमकर वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। दरअसल दो दिन पहले गायन प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव भी शामिल हुए थे। ऐसे आयोजन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और जैसे ही उनकी नजर कैमरे पे पड़ी वह कैमरे से भागते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के सीईओ की जमकर किरकिरी हो रही है। रामायण मंडली प्रतियोगिता भैया थान में मैं लगभग 7 बजे पहुंचा था और उस टाइम में काफ़ी लोग उपस्थिति था, प्रतियोगिता चल रहा था। मैंने उस बात को तो ध्यान नहीं दे पाया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर ऐसा कोई अधिकारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और जूता पहनकर अगर उस वहाँ पर गया है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। इसमें किसी तरह का कोई छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और धार्मिक भावना सख्ती में राखड़ के अवैध कारोबारी धड़ल्ली से कारोबार चला रहे हैं। शासन का न खौफ है और न ही प्रशासन का। आपको बता दें कि राखड़ का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। राखड़ के सौदागर लगातार क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाकर गांव के तालाब के पानी को खाली कर चंद रुपए के लालच में तालाब में राखड़ डाल रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों ने SDM को शिकायत कर ज्ञापन सौंपा। जी सर, बताएंगे कि ग्राम बाद मॉल में डस्ट वहाँ पड़ा जा रहा है तालाब में, जो पूर्व में वहाँ ग्राम पंचायत में मरेगा के तहत कार्य किया गया था। जी बताएंगे, मरेगा के तहत अगर कार्य किया गया तो इसकी वस्तुस्थिति जांच की जाएगी। जो भी है प्रतिवेदन तहसीलदार से मांगता हूँ और इसमें अगर इलीगल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। कब तक हो जाएगी सर कार्रवाई, उसमें कब तक जाएंगे? प्रतिवेदन जैसे मिलता है तुरंत। मैं सरिता मीरेंद्र भात मोहल के निवासी हूँ। जो DP पावर प्लांट का जो राखड़ है, बिना अनुमति के ग्राम पंचायत भात मोहल के तालाब में पाट रहे हैं, बिना पर्यावरण परमिशन के बिना, जिसे लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, जिसमें जल जीवन योजना के तहत सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके गहरीकरण कराया गया था। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज्य में कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान दे चुका है, जबकि 103 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है और इसके साथ ही 31 जनवरी तक 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। पामगढ़ में विधायक ने ATM का शुभारंभ किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM की सुविधा आरंभ हो गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकलतरा के मैनेजर अरुण कुमार रजक और विधायक की उपस्थिति में ATM का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक, शाखा प्रबंधक समेत अन्य अधिकारी और बैंक के उपभोक्ता भी उपस्थित रहे। सभागार में अमृत सदन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सदस्य का मनेन्द्रगढ़ में आगमन हुआ। इस मौके पर पदाधिकारियों और लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित विभिन्न समुदाय के लोगों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया। आपको बता दें कि कई मुद्दों का विस्तार से बताया गया और वहीं समुदाय के लोगों ने कहा कि पहले से दी गई समस्याओं का आज तक निराकरण नहीं हुआ है।
महासमुंद में पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को पकड़कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट की कार्रवाई की है। ये सभी लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, सरायपाली पुलिस द्वारा जुआ पर कार्रवाई की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला? कल मुखबिर से सूचना मिला कि कुछ लोग 52 ताश से रुपये पैसे का हाजिर का दावा लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी किया गया। वार्ड नंबर 9 झेमिला में मंच के पास बिजली खंभा के नीचे में 52 ताश से कुछ लोग रुपये पैसे का दावा लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिसमें से 7 जुआरी पकड़े गए हैं, जिनसे नकदी रकम 20,000 रुपये, 52 ताश और 6 नग मोबाइल जब्त किया गया है। 13 जुआ की तरह कार्रवाई की जा रही है। अकलतरा में रेलवे की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि यहां ट्रक पूरे 12 घंटे तक फंसा रहा और रेलवे के गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस मामले का संज्ञान नहीं लेने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस रास्ते से KSK पावर प्लांट चलने वाले बड़ी वाहनों की आवाजाही होती है। ट्रक चालक संघ द्वारा रेलवे DRM को 1 माह पूर्व आवेदन सौंपा गया था। यहाँ आए दिन कई बड़े वाहन फंसने की सूचना आती है और हाई गेट के दोनों वाहनों की लंबी कतारें भी लग जाती है। इस लापरवाही के लिए रेलवे प्रबंधन और KSK पावर प्लांट दोनों की इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप रहे हैं। तहसीलों में धान खरीदी निगरानी और रकबा समर्पण कार्य की निगरानी करने पर अपर कलेक्ट्रेट का काफिला अंबिकापुर में पहुंचा। अपर कलेक्ट्रेट ने पटवारियों और राजस्व अमले को संबोधित करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कार्य प्रणाली की जमकर प्रशंसा की और आने वाले समय में किसानों के हित में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए शासन द्वारा प्रयास किए जाने की घोषणा की। इस कार्य के लिए उन्होंने पटवारियों और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को तैयार रहने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर कई अधिकारी मौजूद रहे। धान खरीदी का काम चल रहा है और 31 जनवरी तक धान खरीदी का शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है। जो भी किसान बचे होंगे या जिनको धान बेचना होगा वो धान बेच सकता है और हमारा जो राजस्व अमला है ये पूरा समय दे रहा है धान खरीदी केंद्रों में, ताकि कहीं कोई समस्या आता है रकबा सुधार का या खौती का तो वो वहाँ तत्काल जो है उनके द्वारा निराकरण किया जा रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 82% किसानों के द्वारा धान विक्रय किया जा चुका है और रकबा के समर्पण के काम में भी छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला जो है सबसे प्रथम नंबर पे है। कुल 3900 हेक्टेयर धान का रकबा जो है समर्पण किया जा चुका है और 30,000 के आसपास किसानों के द्वारा रकबा समर्पण किया गया है। तो ये कोंडा गांव में स्कूल में भारी कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि वर्तमान में 103 बच्चों को मात्र 2 शिक्षिका पढ़ा रही हैं, जिसके चलते पालकों ने इस पर आपत्ति जताई है। 20 जनवरी को पालकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 2 शिक्षिकाओं के भरोसे 103 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि असंभव प्रतीत होता है, जिसके लिए पालकों ने प्रशासन से अतिरिक्त शिक्षक की मांग की है ताकि बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा का लाभ मिल सके। 6 महीना पूर्व मैं जिला शिक्षा अधिकारी से भी मांग किया था, यहाँ अपने पास शिक्षकों का कमी होने के कारण बच्चे का पढ़ाई भी कमी है और जितना हमारे पास शिक्षिकाएं हैं उससे पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। तो मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि वहाँ जल्द से जल्द 2 शिक्षक का भर्ती किया जाए। मरेंद्रगढ़ में नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर लगे रेप के आरोप को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। गांधी चौक में कांग्रेसियों द्वारा भाजपा और नारायण चंदेल के खिलाफ नारेबाजी की और इसके साथ इस्तीफे की मांग भी की है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने नारायण चंदेल का पुतला फूंका। प्रदर्शन में विधायक गुलाब कमरो, नगर पालिका परिषद के अधिकारी और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता नारायण चंदेल जी के सुपुत्र आदिवासी लड़की के साथ किस तरह से बलात्कार का आरोप लगा है और पूरा साबित हो गया है।
जरा भी उनमें शर्म हो तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से भाजपा बोलती है कि हम महिलाओं के सम्मान में हैं, उनकी स्मृति ईरानी, उनकी और भी महिलाएं जिस तरह से सांसद में अपना व्यक्तित्व जारी करती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं में उनकी जो सांसद हैं, उनकी जो मंत्री हैं, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए महिलाओं के सम्मान में। अगर उनमें थोड़ा सा भी लज्जता है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के बेटे के द्वारा एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार का जो अपराध दर्ज किया गया है उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में आज ये विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से आपने देखा होगा भाजपा की सरकार जो आदिवासियों के हित की बात करती है, बेटियों को सुरक्षा की बात करती है, अब यहाँ पर स्थिति ये हो गई है भाजपा से बेटी बचाओ अभियान आप चालू करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा लगातार, आप जब भानुप्रतापपुर का जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ भी इनका जो प्रत्याशी था उसके ऊपर भी आरोप, झारखंड की पुलिस आई। जब हमारे छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार जब काम करती है, कार्रवाई करती है, तो इसके संरक्षण में उनके ऊपर कहती है अगर किसी में दम है तो कोई गिरफ्तार करके बताए। मैंने बलात्कारियों का संरक्षण देना भाजपा के सिद्धांत हो गए, नीति हो गई है। मनेन्द्रगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीओ सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि लोकनाथ पटेल ने कार्यशाला में उपस्थित जनों की संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रति संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों अन्य हितग्राहियों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराना है। वृक्ष है उसको बढ़ावा देने हैं, इस हेतु आज वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के सभी कार्यरत वन परिक्षेत्र में कार्यरत जो मैदानी कर्मचारियों का एक दिवसीय कार्यशाला रखा गया है। उस कार्यशाला में पीपीटी के माध्यम से ये योजना की आवश्यकता, योजना के उद्देश्य, योजना का क्रियान्वयन किस तरह से जिले में किया जाएगा उस संबंध में विस्तृत रूप से कार्यशाला पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले समय में ये योजना के तहत मतलब अपने क्षेत्र के किसान हैं जो वृक्ष लगाने के इच्छुक है उनकी निश्चित ही उनकी आय में वृद्धि होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के दिन मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो व्यावसायिक वृक्ष हैं उनको हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना लागू किया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में कैबिनेट से 100 करोड़ पास भी हो चुका है और जिसका नोडल अधिकारी वन विभाग है। इसमें हितग्राही को 5 एकड़ तक निःशुल्क पौधा प्रदाय कर और सब्सिडी 100% सब्सिडी है, जिसमें रख रखाव से लेकर अन्य जो 3 वर्षों तक जो दिया जाता है वो रहेगा, जिसमें टिशू कल्चर सागौन है, क्लोनल नीलगिरी है, टिशू कल्चर बांस है, मिलिया डूबिया है और चंदन है, या अन्य आर्थिक लाभकारी जो पौधे हैं उनको प्रदाय की जाएगी। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बयान में कहा कि लोगों के हित के ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को हस्ताक्षर कर देना चाहिए। राज्यपाल से आरक्षण को लेकर लगातार आग्रह कर रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चाहते हैं विधेयक पर हस्ताक्षर न हो, यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय हो ये उचित नहीं है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक को लेकर कृषि मंत्री ने तंज भी कसा है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वो सभी वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग महामहिम से आग्रह लगातार कर रहे हैं। अभी भी हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए, यहाँ के नौजवानों के हितों के लिए महामहिम को हमारे विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हस्ताक्षर ना हो ताकि यहाँ के नौजवानों के साथ अन्याय हो जाए, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।